सागर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का हथौड़ा, सड़क निर्माण के दायरे में आ रहे वृंदावन बाग ट्रस्ट की दुकानें तोड़ी। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर में स्मार्ट सिटी के तहत पंडित दीनदयाल प्रतिमा से तिली की ओर बनने वाले स्मार्ट कॉरिडोर सड़क के दायरे में आ रहे निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार को प्रशासन के अमले ने की। आपको बता दें, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वृंदावन बाग ट्रस्ट की दुकानों को जेसीबी चलवाकर तोड़ा गया। यहां बता दें कि सड़क निर्माण के दायरे में आ रहे निर्माणों को नगर निगम ने पिछले दिनों नोटिस जारी किए थे। इसमें वृंदावन बाग ट्रस्ट के 5 से अधिक मकान और करीब 15 दुकानें शामिल हैं। नोटिस के बाद सोमवार को प्रशासन का अमला पहुँचा और दुकानें खाली कराई। इसके बाद दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान तिली रोड पर वाहनों का आवागमन कुछ देर के लिए बंद रहा। इसी दौरान कलेक्टर दीपक आर्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई का जायजा लिया। कार्रवाई के तहत सड़क किनारे बने 5 मकान भी तोड़े जाने हैं। दुकानदारों ने किया था एकाकी धरना सत्याग्रह। वृंदावन बाग ट्रस्ट की दुकानें तोड़े जाने के नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों ने एकांकी धरना सत्याग्रह किया था। धरने में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर एक बैनर लगाकर मांग की थी कि विकास सभी का स्वीकार है, रोजी रोटी की दरकार है। उधर ट्रस्ट द्वारा दुकान मकानों को हटाने के लिए इस पर सहमति दी है। गौरतलब है कि परकोटा से पंडित दीनदयाल प्रतिमा से होते हुए तिली तक बनने वाली स्मार्ट सड़क को चौड़ा किया जाना है। इस सड़क पर काफी ट्रैफिक रहता है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। ये स्मार्ट रोड जो हमारी बन रही है उसमें SR1 का काम चालू होना है और इस रोड को जो पूरी उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसके अनुसार बनाना है। तो ये वृंदावन धाम ट्रस्ट है और ट्रस्ट में कलेक्टर महोदय इसके अध्यक्ष हैं और महंत जी हैं। उनके द्वारा महंत जी के द्वारा इसमें बड़ा सहयोग किया गया और पूरा जो इसको हटाने के लिए उन्होंने खुद आगे आए हैं। बाकी सभी को नोटिस दिए गए थे। ऐसे 36 लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है। तो आज से इस मुहिम को चालू किया है और इसको हम लोग जल्दी क्लियर करा करके और जो हमारे रोड का काम है वो भी हम लोग आज से ही कल से चालू करेंगे। था कितनी दुकानें तोड़ी गई अभी? आज ये 17 दुकानें थी और 2 यहाँ रहवासी घर हैं जो कि ट्रस्ट के ही बिल्डिंग में घर बने हुए हैं और उनको हटा दिया गया है। उनको व्यवस्थित भी किया है। एक जो घर है, परिवार है, उनके पास कहीं और रहने की जगह नहीं बता रहे हैं, तो मंदिर परिसर में ही एक मकान उनको दिया गया है, तो वहाँ वो रहेंगे। एक परिवार है, उनके पास पहले से उनका घर है, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए। चलिए, सैनाई गार्डन भी आ रहा है क्या? हाँ, इनको भी नोटिस दिया है। 5.5 मीटर आ रहे हैं दोनों। हाँ, तो ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, शिव सागर और सैनाई गार्डन जी। तो इन्होंने भी अपना खाली करना खोलना चालू कर दिया है। और चूँकि बड़ी बिल्डिंग है तो इसको विधिवत जो कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है उस तरीके से हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्या है?